तो आज हमारा सिलसिला चालू होगा मोहाली पंजाब में। दोस्तों मोहाली पंजाब प्रांत का एक बहुत बड़ा शहर है जिसे पहले अजीतगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे साहिबजादा अजीत सिंह की स्मृति में मोहाली को अधिकाधिक रूप से SAS नगर के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ के अंतर्गत आने वाला मोहाली पंजाब की IT सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि IPL में मोहाली किंग्स 11 पंजाब का होम ग्राउंड है। यूं तो इस शहर में घूमने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अगर आप मोहाली के बाहर या आसपास घूमने की इच्छा रखते हैं तो मोहाली के पास कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं और हॉलीडे डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। यहां आप अपनी छुट्टियों को मजेदार बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कसौली। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है कसौली। एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो चारों ओर से चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। कसौली हर वर्ग के पर्यटक के लिए खास है। यहाँ पर्यटक रोमांचक ट्रैकिंग से लेकर नेचर वॉक का लुफ्त उठा सकते हैं। हिमाचल की खास खूबसूरत जगह। आजादी से पहले ब्रिटिश राज के दौरान इसे बनाया गया था, जो आज भारतीय सेना की छावनी है, जिसके चलते आज भी यहाँ ब्रिटिश राज के दौरान के भवन इमारतों को देखा जा सकता है। यहाँ आज की कई प्राचीन चर्च मौजूद हैं, जो भारत में ब्रिटिश वास्तुकला को भली भांति दर्शाते हैं। सोलन बीते कई सालों में पर्यटकों को अपनी बेइंतहा प्राकृतिक खूबसूरती से आकर्षित कर रहा सोलन हिमाचल प्रदेश का बेहद खूबसूरत शहर है। मदमस्त मौसम होने के कारण यहां पूरे साल पर्यटकों का तांता लगा रहता है। समुद्री स्तर से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह खूबसूरत शहर सोलन मशरूम की खेती के लिए जाना जाता है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सोलन में पर्यटकों के लिए बड़ौक, करोल गुफा, सनावर, बौद्ध मठ, चैल, डगशाई, कसौली, मंकी पॉइंट, अमरावती हिल, ढोलांजी, कुनिहार घाटी, माल रोड, मोहन नेशनल पार्क, मोहन शक्ति पार्क आदि यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। नारकंडा शिमला जिले का खूबसूरत पर्यटन नारकंडा शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। सर्दियों के दौरान यहाँ स्कीइंग का जबरदस्त मजा लिया जा सकता है। पूर्णिमा की चांद की रोशनी में चारों ओर फैली सफेद बर्फ और गहरी घाटियाँ प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत संपदा से लबालब नारकंडा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ बर्फ से ढके हुए शक्तिशाली हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी पर हरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। खूबसूरत हसीन वादियों से घिरा हुआ हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही आप यहां कई एकड़ में फैले हुए सेब के बागानों को भी निहार सकते हैं। अगर आप पेड़ से तोड़कर सेब खाने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आप बागानों के मालिक से अनुमति ले सकते हैं। यहां पर्यटकों के घूमने के लिए असंख्य जगह हैं, जिनमें हाटू मंदिर, हाटू पीक आदि मौजूद हैं। फागु अगर आप शिमला की भीड़ भाड़ से बचकर शांत जगह पर छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो आपको शिमला से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित फागु की ओर रुख करना चाहिए। इस खूबसूरत से शहर की पृष्ठभूमि में आप देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को निहार सकते हैं। मखमली घास के ऊपर चलते हुए आसपास की खूबसूरती आपको अचंभित कर देगी। यहां आप अपने पार्टनर और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको अकेले घूमने की आदत है तो कभी भी आप इस जगह पर एकदम परफेक्ट हैं। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के दिल में स्थित पार्वती घाटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पार्वती नदी के किनारे कई खूबसूरत हिमाचल गांव स्थित है, जिन्हें आप घूमते हुए हिमाचली संस्कृति को देख सकते हैं। इस खूबसूरत घाटी में आप खीर गंगा ट्रैक का मजा ले सकते हैं। साथ ही कसौल, तोश, ग्रहण जैसे प्रदूषण रहित गांव की प्राकृतिक खूबसूरती को निहार सकते हैं। इस जगह को घूमने के लिए आप यहां छुपे हुए झरनों के बीच से रास्ता भी देख सकते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सेब के बागानों से सेब तोड़कर उनका स्वाद भी ले सकते हैं। अद्भुत आकर्षण और मन को शांति प्रदान करने वाले इस स्थान पर कुछ देर रुकने के बाद आपका तन, मन और आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब